हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। जैसे कि हम आपके लिए पहले वीडियो में कुछ डेली यूज के सेंटेंस लेके आए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, काफी बेनिफिट मिला होगा। और ये हम आपके लिए फिर से इसी वीडियो में आपके लिए कुछ डेली यूज के सेंटेंस लेके आए जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। और इसलिए मैं ये चाहूंगी इनके आंसर प्रॉपर हमें पता चले कि मेरे लिए भी काफी बेनिफिट रहे, आपके लिए भी रहे। तो मैं सर को इनवाइट करूं, सर प्लीज हम श्योर सोफी। और मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स डेली यूज वर्ड्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और मेरे ख्याल से वो यूज भी कर रहे होंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इन वर्ड्स के अंदर ताकि मैं इजीली इंग्लिश इनकी बता सकूं मेरे बच्चों को? रोटी कच्ची है। ओके, द चपाती इज अंडर कुक्ड। अंडर कुक्ड, अनकुक मत बोल देना स्टूडेंट्स। अंडर कुक मीन्स सम आर नॉट टेस्टी, कुछ कुछ कमी है कहीं ना कहीं, इसीलिए वर्ड लगता है अंडर कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस सोफिया, ओके, देयर इज लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। इजी वर्ड है, मेरे बच्चे खुद बोल लेंगे। हिला दो means stir, S-T-I-R, stir the vegetable. Okay, मैं आता हूँ। Okay, I'm kneading the dough. K-N-W-D-I-N-G, kneading, kneading the dough. D-O-U-G-H, I'm kneading the dough. तो ये यही मतलब होता है students, आटा गूंद रहा। मैं रोटी बेल रही हूँ। Okay, आप रोटी बेल रही हैं। तो I'm rolling the chapati. I'm rolling, rolling. Roller pad बोला जाता है उसे particular चकला को। चलो गर्मा गर्म चाय पी। ओके, लेट्स हैव अ पाइपिंग हॉट टी। लेट्स हैव अ पाइपिंग हॉट टी। तो पाइपिंग वर्ड आप यूज कीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा वर्ड है हॉट टी और कॉफी। यू कैन रिलाइज। हेलो फ्रेंड्स, वी हैव सेट ऑफ थ्री बुक्स, फर्स्ट इंग्लिश इंटरव्यू एमआर। वेल डन, मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म एडवर्टाइजमेंट हो गया और मैं चाहूंगा सोफिया से फिर से अपनी स्पीड अप करें ताकि हम आगे बढ़े। ओके, थ्रेड द नीडल, स्टूडेंट इजी वर्ड है, थ्रेड द नीडल बहुत इजी है। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात के अंदर हमें एक लंबी लाइन बनानी पड़ती है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं और इजीली यूज हो सकते हैं। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डाल दो। ओके, देयर इज अ पेग बिहाइंड द डोर, देयर इज अ पेग, पी ई जी, वर्ड याद रखना स्टूडेंट्स, पेग, पी ई जी, बिहाइंड द डोर। जो वर्ड है इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप इसकी स्पेलिंग जान लीजिए पहले। तो फुट F-O-O-T, स्लॉग S-L-O-O-G-E-T, F-O-O-T, foot, slot, S-L-O-O-G-E-D। तो ये वर्ड देखिए, don't foot slot, don't foot slot। जब आप इस वर्ड को यूज करते हैं तो आपके पास एक नया वर्ड आता है। वैसे गटनी घसीटने को क्या कहेंगे? वैसे घसीटने को हम ड्रैग कहेंगे, D-R-A-G। स्क्रिबल भी कह सकते हैं, वर्ड सुने होंगे आपने, घसीटने को हम स्क्रिबल भी कह सकते हैं, ड्रैग भी कह सकते हैं, मगर ये वर्ड शायद आपके लिए नया ले आया हूं मैं, दैट इज फुट स्लॉट। तो जब आपको मना करना है तो आप बोलेंगे डोंट फुट स्लॉट। तो मेरे ख्याल से ये 10 वर्ड्स भी आपके बहुत काम आएंगे और जब आप इनको यूज करेंगे और आप हमारे डेली यूज वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आ रही है, आप डेली डे टू डे यूज के अंदर अगर इन वर्ड्स को सेंटेंसेस को यूज करते हैं, डेफिनेटली देयर विल बी एन आइसिंग ऑन द केक ऑन योर पर्सनालिटी। सो मेरा टाइम अब ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे फिनिश होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोफिया से कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो हमारे ऑडियंस से। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपके लिए वीडियो लेके हैं, आप उनके आप पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप हमारी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। प्लीज मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज थैंक यू।